ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है एंड आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप एकदम कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया आप सभी को, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। अब गाइस आपको क्या करना, आपको जाना ऐड फोटो में गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। जो यहाँ पे गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, जिनको इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएगी, जाकर वीडियो को वॉच कर लेना। अब गाइस देखिए हमने यहाँ पे मॉडल को ऐड कर दिया, बट गाइस जिसमें हमारी मेन चीज़ है शेडो, तो शेडो नहीं होगी तो यार फोटो बिल्कुल फेक लगेगी। तो उसके लिए आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाकर आपको ब्लैक कलर का जो है बैकग्राउंड आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपको अच्छा फुल स्क्रीन करना है एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना, आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज गाइस अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने पैरों के नीचे शेडो बनानी है। एंड गाइस यहाँ पे जो है मैं शेडो आपको इस टाइप से सिखा रहा हूँ, अगर आपको मतलब कि जैसे गाइस कुछ भाई होते हैं ना मतलब कि ड्रो टूर एंड ऑटो टेक्स स्नैक बुक से बनाते हैं तो वहाँ पे भी गाइस कुछ मतलब कि इस टाइप से शेडो बन जाती है अच्छी तरीके से, तो आप जहाँ से बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे कि आप सेम टू सेम मेरे तरह ही बनाओ, आप जैसे मर्जी आपको ईजी लगता है वैसे शेडो बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शेडो बन गई है गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए शेडो बनने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे फिर क्या करना है, थोड़ा सा गाइस कुछ पार्ट जो मेरे को यहाँ पे रेज करना है तो मैं उसको पहले रेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन करना है। अब इतना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली इसका ओपेसिटी जो हल्का सा कम रखना है एंड इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे कर लेना डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है, दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है विगिनेट का पीएनजी, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम एंड इसको जब आप ऐड करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फोटो कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो इसको आपको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। अब गाइस जैसे कि हमने फोटो यहाँ पे पहले से ऐड कर रखा था, तो अब गाइस हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट जो है गाइस इसको हम थोड़ा माइनस करेंगे एंड जो हाईलाइट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे एंड जो शेडो है इसको अभी हम थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे एंड जो व्हाइट है व्हाइट को गाइस यहाँ पे हम हल्का सा बढ़ा देंगे एंड जो ब्लैक है इसको भी हल्का सा हम यहाँ पे माइनस कर देंगे हल्का सा। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से कलर्स में, यहाँ पे गाइस कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन कम कर बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर इसको हल्का थोड़ा सा कम कर देना है। फिर गाइस आपको जाना है कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले सैचुरेशन माइनस करना है एंड उसके बाद जो गाइस ल्यूमिनस आपको उसको बढ़ा देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस स्काई ब्लू में, आपको यहाँ पे इसका जो ह्यू है माइनस करना है एंड जो सैचुरेशन है इसको प्लस करना है। फिर उसके बाद गाइस जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको उसका भी ह्यू माइनस कर देना है एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको भी यहाँ पे प्लस कर देना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है एंड इतना डन कर देने के बाद आपको जाना फिर यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना है एंड इसके नीचे स्क्रॉल करना आपको वहाँ पे मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड इसके नीचे जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको वहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटबुक्स आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटबुक्स आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।